ये शिकारी मैंने रखा हुआ इसीलिए है क्योंकि आगे जो है सामने आप देख सकते हैं कमाद वगैरह है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना आप देख सकते हैं काफ़ी सारा है, वो वहाँ तक जा रहा है आगे तक, ठीक है, तो काफ़ी सारा है, इस वजह से जो है ना मैंने ये शिकारी रखा हुआ है टोमी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि केजेस वगैरह का काम मैंने करवाया था, फिर भी एक जो है ना केज रह गई है यहाँ पे, जाला उसने फिट नहीं किया, उसने कहा फिर आऊँगा। तो अभी मैं सो रहा था, घर वालों ने जगाया है कि गीदड़ जो है ना मुर्गी ले गया है, वो साथ में गन्ना है छोटा छोटा है, तो उधर से जो है ना गीदड़ आते हैं और ले कर चले जाते हैं मुर्गियों को। यार आज दूसरा तीसरा दिन है, आपको भी पता है टोमी को मैंने बांध दिया था, तो चाचू ने टोमी को छोड़ा है, मतलब वो थोड़ा लेट हो गया है, इस वजह से जो है ना गीदड़ चला गया है। तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ, चेक करता हूँ, थोड़ा सा गन्ने का भी जायज़ा लेते हैं और टोमी को भी देखते हैं। तो पहले उधर चलेंगे, फिर इंशाल्लाह इनको दाना वगैरह डालेंगे और उसके बाद जो है इनको जो है कलर दे दूँगा, ये जो केजेस वगैरह हैं इनको कलर दे दूँगा और इसके बाद जो है दूसरा केज जो है बाद में लगेगा। दोस्तों फाइनली मैं जो है टोमी के पास पहुंच चुका हूं, ये खुला बैठा है ना, ठीक है, इसकी जो अभी रस्सी वगैरह है खुली हुई है, बंधा हुआ नहीं है, जंजीर वो उधर पड़ा है और गले में जो है फ्री पड़ा है इस टाइम। दोस्तों ये जो है ना यहाँ से गीदड़ आया है मेरे ख्याल में, यहाँ से ये है गन्ना लगा हुआ है ना इधर कमाद, ठीक है। तो अभी भी हमारी मुर्गियाँ अंदर बैठी हैं, इधर एक को गीदड़ ले गया है फिर भी बैठी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बैठी हैं अभी गन्ने में बैठी हैं, इधर गीदड़ का कसूर तो नहीं है ना यहाँ पे, ये ले। अभी जो है दोस्तों मैंने ये सोचा है कि टोमी को जो है ना आइंदा यहाँ पे छिड़काव वगैरह करके दे देंगे और पानी वगैरह भी इसका जो है इधर ही डाल देंगे, ठीक है, और इसको जो है बांधेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो है ख़तरा हो गया है मुर्गियों का कि कहीं गीदड़ और मुर्गियाँ ना ले जाएँ। ये शिकारी मैंने रखा हुआ है इसीलिए है क्योंकि आगे जो है सामने आप देख सकते हैं कमाद वगैरह है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना आप देख सकते हैं काफ़ी सारा है, वो वहाँ तक जा रहा है आगे तक, ठीक है, तो काफ़ी सारा है, इस वजह से जो है ना मैंने ये शिकारी रखा हुआ है टोमी, ठीक है। दोस्तों बस टोमी को छोड़ने के लिए लेट हो गया है चाचा, ठीक है, पर मुझे इस पर जो है यकीन था कि अगर इसको टाइम पर छोड़ देते ना तो ये भौंका है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से जो है ना चाचू ने छोड़ा, जब छोड़ा है तो ये सीधा गन्ने में गया है, तो मुर्गियों ने भी काफ़ी आवाज़ की है, तो एक मुर्गी को पहले ही ले कर जा चुका था। तो दोस्तों चलते हैं अभी दूसरे परिंदों की तरफ, और आज जो है केजेस वगैरह को जो है कलर भी मैंने देना है, दो तीन कलर लाया हूँ, अभी चेक करेंगे कि उनको जो है किस तरह कलर देना है। दोस्तों इनको जो है मैं अभी पानी डाल चुका हूँ और दाने यहाँ रख रहा हूँ, ये दाने खा लेंगे, और आज कालू को चेक करें, कालू आज अंडों पर बैठा है, आज उसकी जो है शरारतें मस्तियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि आज वो तकरीबन मैं देख रहा हूँ इसको काफ़ी देर से इसको देख रहा हूँ, ये अंडों में बैठा है। और यार मुझे बहुत शौक़ है इस प्यार के जो बच्चों का है ना, मुझे बहुत शौक़ है, पता नहीं ये प्यार लगेगा कब, और नर इनमें कौन सा है और मादा कौन सी है, मुझे तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि नर कौन सा है मादा कौन सी है। दोस्तों यहाँ चेक करें ये क्या कर रहे हैं, दोस्तों इनका जो बच्चा निकलने वाला था ना तो इन्होंने बच्चा दे दिया है, एक बच्चा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं नीचे पड़ा है, एक तो अभी तक नहीं निकला और दूसरा जो है निकल चुका है। यार देखें बहुत ही प्यारा है, पीला पीला बहुत ही प्यारा प्यारा है यार। दोस्तों फाइनली जो है मैंने केजेस को जो है कलर देना स्टार्ट कर दिया है, ग्रीन कलर जो है मैंने ऊपर ऊपर दे दिया है, ठीक है, उसके बाद जो है येलो कलर मेरे पास पड़ा है, और येलो कलर मैं इंशाल्लाह इसके बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पे येलो लगाऊंगा, उसके बाद जो है इसको डिज़ाइन देने की कोशिश करूंगा अगर वो मुझसे बन गया तो। अभी इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए।
दोस्तों ये जो है दो केजों का जो है मैंने ग्रीन कलर कर दिया है साइडों से, पीला अभी तक नहीं किया है, टाइम तो बहुत कम है अभी जो है। इंशाल्लाह ये अगले केज का कोशिश करता हूँ कि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी जो है इंशाल्लाह पहले इसको करेंगे, बाद में जो है उधर से जो है पीला शुरू करेंगे। दोस्तों मजबूरन जो है काम को स्टॉप करना पड़ा है क्योंकि बादल बन चुके हैं काफ़ी सारे, ठीक है। और मैं ये डिज़ाइन लगा रहा हूँ, ग्रीन है यहाँ पे और यहाँ पे येलो लगा के वाइट के इस तरह लाइनें लगा के ना थोड़ी थोड़ी सी दूर दूर करके बीच में जो है डॉट का निशान लगाऊंगा वाइट कलर से। और इससे भी अच्छा अगर किसी के पास आइडिया हो, वो किसी भाई के पास हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए। और अभी जो है टाइम ओवर हो गया है, इस वजह से जो है मुझे काम रोकना पड़ा है। इंशाल्लाह कल जो है इसका काम मुकम्मल ज़रूर करेंगे। और ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।